हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे किन किन रीज़नों की वजह से हमारा कान दर्द होने लगता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन से हमें मेडिसिन या ड्रॉप लेना चाहिए। तो गाइस, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें। कान दर्द जो कि बहुत पेनफुल होता है और ये एवरी एज के लोगों को होता है, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो। कान दर्द के रीजंस के बारे में बात करें, किन किन रीजनों से होता है, जिसमें पहला आता है मिडल ईयर इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया के फैलने की वजह से इन्फेक्शन कॉज होना और ये पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा रीजन की बात करें तो स्विमर ईयर, मतलब कान में पानी चला जाना। और नेक्स्ट है ईयर बड ट्रॉमा, ज़्यादा टाइम तक ईयरबड्स का यूज़ कर लेना जो ईयर क्लीन करने के लिए आते हैं। और नेक्स्ट कॉमन अगर हम ईयर पेन की बात करें, वो होता है ईयरफोन से लॉन्ग टाइम यूज़ ऑफ ईयरफोन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है हमारे ईयर में। तो गाइस, अब ये हो गया रीजंस, अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले ड्रॉप है सिप्लॉक्स डी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है ईयर पेन में। और गाइस, इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पेन को कम करता है, इचिंग में काम आता है, इरिटेशन को रोकता है, स्वेलिंग को कम करता है और इन्फेक्शन जो फैला हुआ रहता है उसको भी कम करता है। इसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक लेना है जिसका नाम है सिप्लोफ्लॉक्सासिन। इसका काम क्या है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके कान में पानी चला जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है जीरोडॉल पी और जीरोडॉल एस पी। इन दोनों का काम है कि पेन को रिड्यूस करने का। अगर आपको नॉर्मल पेन है तो आप जीरोडॉल पी ले लो मॉर्निंग और इवनिंग में, अदरवाइज आपको ज़्यादा पेन हो रहा हो तो जीरोडॉल एस पी आप ले सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग में। बट ये ध्यान रखना है, जीरोडॉल एस पी जो है वो स्ट्रॉन्ग पेन के लिए होता है। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।